हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ, हमारे घर के पास मंदिर है हनुमान जी का, उसमें। और यहाँ से श्री श्याम बाबा की जो निशान यात्रा है वो यहाँ से होती हुई निकलेगी। वैसे जो हमारे थोड़ी सी दूर पड़ता है, राम मंदिर बोलते हैं उसको, उस वहाँ से निशान यात्रा मतलब ले उठती है। तो मेरी थोड़ी से कोल्ड हुआ था इस वजह से मैं, और वैसे भी लेट हो गई थी, उस वाले मंदिर में मैं नहीं जा पाई क्योंकि वहीं से निशान लेते हैं। और ये हमारे घर के पास ही मंदिर है तो यहीं से निशान यात्रा होती हुई जाएगी। तो यहाँ पर भी मतलब थोड़ा बहुत लोग जैसे इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, तो यहाँ से भी कुछ लोग हैं ना शामिल हो जाएंगे निशान यात्रा में। तो यहीं पर अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ से जब यात्रा आएगी तब मैं यहीं से शामिल हो जाऊँगी, और साथ में मेरा बेटा भी जाएगा। हस्बैंड है ना, वो बेटी सो गई थी तो इस वजह से वो उनके साथ है, वो बाद में आएंगे। तो ये देखो मंदिर कितना अच्छा से सजाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर है ना देखो, लोग आने लग गए हैं अपने अपने निशान लेकर, और यहाँ पर जो मंदिर के पास लोग बैठे थे सब उनके स्वागत में प्रसाद पानी की व्यवस्था की हुई थी, क्योंकि लोग नंगे पैर चलकर आते हैं तो प्यास भी लग जाती है ना, तो इस वजह से पानी और जूस वगैरह बहुत अच्छे से मतलब सीधा की जाती है, और बहुत अच्छा भी लगता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा ये रहा कि मैं वहाँ उस वाले राम मंदिर से नहीं जा पाई, बहुत दुख हुआ, सच में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। Thank you.
थे पंजाबी में। फ्रेंड्स यहाँ पर मंदिर में निशान देकर और थोड़ा बहुत नाश्ता होते हैं जैसे समोसे या पकौड़ी चाय जो भी, तो वो करते हैं सब कोई। तो मैं बस यहाँ से म्यूल को थोड़ा सा मैंने लिया था प्रसाद के उसमें, और उसके बाद मैं वो म्यूल दोनों घर के लिए चल दिए थे क्योंकि तुलसी जी की विवाह था ना उस आज के दिन, तो इसी वजह से।
और ये आप देख ही सकते, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पर, नाश्ते में लाइन लगने लग गई थी। और अगले दिन प्रसाद था जो भंडारा होता है वो, उसमें भी मैं नहीं गई जा पाई क्योंकि अगले दिन मुझे गिन्नी के स्कूल में जाना था इस वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, रात को जागरण में भी नहीं आ पाई थी क्योंकि जुकाम हो रहा था उस वजह से, और गिन्नी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए रात को तो मैं नहीं आई थी। समर्पयामि जय नारायण भगवान जल समर्पयामि तुलसी मैया शालिग्राम भगवान स्वीकार करो सब सामग्री भगवान फिर सारी आला बला ईड़ा पीड़ा दूर करना चारों कोणा धन का भरना बोलिए तुलसी मैया शालिग्राम भगवान की जय फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं कहानी सुन रही थी, वैसे आरती वारती हो गई थी पर फिर ऐसे ही बस अच्छा लग रहा था बैठना तो बैठ गई थी। तो आज आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।